पूछिए सर, बताइए वेलू जी, कैसे लगा आपको ट्रेलर? शुभकामनाएं देना चाहते हो आप? जी, सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा आपने हमारे जो प्रोड्यूसर हैं निर्मल चौधरी जी और डायरेक्टर मनोज तोमर जी, और साथ ही हमारे बड़े खास मित्र हैं आनंद ओझा जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और ये श्रेय जाता है मनोज तोमर जी को जिन्होंने इसे इतना अच्छा काम कराया है। मेरे बहुत सारे शुभकामनाएं हैं, और कहते हैं कि भूत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। ये ट्रेलर देख के आनंद जी के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे इंडस्ट्री को नया स्टार मिलने जा रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि भाई मैं आनंद जी के साथ कई फिल्में कर रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने लव एक्सप्रेस कंप्लीट की है, और बहुत जल्द वो भी दर्शकों को देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही अभी हमारी एक और फिल्म की प्लानिंग चले जो फरवरी में फ्लोर पे रहेगी, श्रीमान सैया जी। तो ये एक बड़ा संयोग बना हुआ है, और आज जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो मैं तो वाकई में उत्साहित हूँ कि भाई एक बेहतरीन कलाकार का आगमन इस इंडस्ट्री में होने जा रहा है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं है, और परिवर्तन संसार का नियम है, और लोग आते रहेंगे, तो ऐसे आनंद जी जैसे टैलेंटेड एक्टर का आना एक बहुत ही शुभ संकेत है हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत। भूत साहब, सॉरी आनंद जी, ये बताइए सर, ये बताइए जिस तरह का प्यार आपको इंडस्ट्री से मिल रहा है, असल में भूत भूत कहानी तो मेरे दिमाग में भूत ही था, खुश तो बहुत होगी इतना सर रिजल्ट, मतलब आपको लगा सोचा था कि इतना सारा प्यार मिलेगा? सोचा तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता रहता हूँ, आनंद भाई आप जैसे भाइयों का प्यार, पूरी इंडस्ट्री का जो प्यार मिला है वो सही में मुझे बिल्कुल एक शब्द है अभिभूत कर रहा है, क्योंकि नए लोगों को इतना प्यार बहुत कम ही मिलता है, और एप्रिसिएशन जित रहा है मेरे काम के लिए सबको, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे प्यार मिल रहा है उसके बदले मैं ढेर सारा प्यार दे सकूँ, बस ये कोशिश में। आपके पास भी एक आनंद बैठे हुए हैं, इनको भी पूछ लेते हैं। आनंद जी, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर ट्रेलर देखने से जैसा नाम है वैसा काम है, वाकई में कैसा है तो हमने इसके पहले अपने बारे में ही बताया रियल लाइफ के, तो आज वाकई में ये एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस फिल्म में नज़र आया, पूरी फिल्म में नज़र आएगी कामना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी एंट्री है और जो ट्रेन चल रहा है अलग है, एक रियल हीरो मतलब एक पब्लिक के बीच में करने का, मतलब कि जहाँ से हमारे आम कलाकारों की अवकाश होती है उस पब्लिक की सेवा करते हुए आज कि रियल लाइफ में भी पब्लिक के बीच में रियल काम करते हैं, और रियल लाइफ में जो के बीच में आएंगे, मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्यार है कि बहुत ही अच्छी फिल्म होगी, और आगे जो सोसाइटी में जैसा बताया अगली फिल्म में हम लोग साथ काम करने वाले हैं, और उसके लिए भी हम लोग। सर, आप एक्टर बनने वाले हैं? मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ काम करने का मतलब है कि आपको पता है, इसलिए